आगे बढ़ेंगे। इस बीच सतना से बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर, उपचुनाव के बीच रेगांव जाएंगे सीएम शिवराज, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। तो रेगांव जाएंगे सीएम शिवराज, उपचुनाव के बीच रेगांव जाएंगे सीएम शिवराज, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कल रेगांव जाएंगे सीएम शिवराज, कल रेगांव का उनका दौरा होगा, बड़ी जानकारी अहम जानकारी। कई सभाओं को यहां पर सीएम संबोधित करेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव के बीच रेगांव सीएम जाएंगे और कई मायनों में दौरा अहम भी माना जा रहा है, जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक है और इस बीच सीएम का ये दौरा। इसी बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से कल रेगांव का दौरा होगा सीएम शिवराज का, क्या कुछ इस दौरे में शामिल होगा, किस तरीके से ये दौरा अहम माना जा रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जब से 17 अगस्त से बीजेपी ने चुनावी अभियान का ऐलान किया है और कहा है कि अब बीजेपी अपना चुनाव अभियान शुरू कर रही है, 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री के भी दौरे शुरू हो गए हैं। पहले भी उन्होंने खंडवा का दौरा किया था और अब रेगांव का दौरा उनका तय किया गया है। कल वो रेगांव के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वो कई सभाओं को संबोधित करेंगे और एक यात्रा रैली भी उनकी आयोजित की जानी है रेगांव में। कुल मिलाकर उपचुनाव की तैयारी के लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में उतर चुके हैं और उसके बाद 2 दिन बाद वो पृथ्वीपुर का भी उनका दौरा रहेगा अभिषेक। तो पृथ्वीपुर में भी कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं, तो दोनों ही जगह ये मुख्यमंत्री के प्रचार कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी ने पूरा शेड्यूल जो है वो मुख्यमंत्री की यात्राओं का बना लिया है और उपचुनाव की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सभा चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये जो बीजेपी की यात्राएं हैं, लगातार पहले भी प्रभारी मंत्री और जो नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो कई दौरे कर चुके थे और कई जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो पहले से इन क्षेत्रों में लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा दोनों ही क्षेत्रों में काफी अहम माना जा रहा है। जी जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।